इसे बोलते हैं दोस्तों मिनी गोवा, और नाम है दीघा, जो कि कोलकाता उड़ीसा के बॉर्डर में सिचुएटेड है। और ये जो आप देख रहे हैं ये आरसीसी डली हुई है पूरे समुंदर के किनारे में, और ये पूरा दूर तक ये फैला हुआ है और बिल्कुल ही इसको मैन मेड बना दिया है, नेचुरल है नहीं। और ऊपर आप देख सकते हैं आई लव दीघा लिखा हुआ है, और चारों तरफ कुछ इस तरीके की कलाकृति आपको दिखाई देगी। और दोस्तों बहुत ही ज्यादा लोग क्राउडेड बीच है, तभी इसको मिनी गोवा का नाम दिया है। पर गोवा में भी मैं गया हूँ और यहाँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इतना कोई खास अच्छा नहीं है। सिर्फ एक है कि अपनी एक जो लिस्ट होती है ना कि हाँ भाई आपने दीघा घूमा, हाँ भाई हाँ मैंने घूम लिया, बस एक वो चीज़ पूरी हुई है कि हाँ अपनी बकेट लिस्ट में इसको भी एक टिक मार्क लगा दिया है दीघा को भी। तो दोस्तों चारों तरफ कुछ इस तरीके, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है बे ऑफ बंगाल, और नॉर्मली तो समुंदर जितने भी समुंदर हैं सबका पानी खारा होता है, और ये कुछ इस तरीके से जैसे घाट टाइप बना रखे हैं, जैसे कि लोग आकर अपना एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ही लेस क्राउडेड था, मैं जिस टाइम गया था उस टाइम करीब बज रहे होंगे एक या दो, एक या डेढ़ ऐसे समथिंग टाइम था, और उस टाइम भी बीच में इतनी कोई खास भीड़ नहीं थी, सिर्फ दो चार लोग थे और ख़ासकर लोकल्स बहुत ज़्यादा थे। जो कि ये बीच, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, उड़ीसा बिल्कुल पास है, जैसे दीघा जो जगह है जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से जो उड़ीसा ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 15 या 16 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों ये है बीच के ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर आपको बहुत सारे ईटरीज़ और बहुत सी एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं हॉर्स राइडिंग आप कर सकते हैं इसमें, जो कि आप का मन करे तो। और दोस्तों ये है मेरा बेस्ट पार्ट, ये है दोस्तों दीघा की फ़िश मार्केट। यहाँ से आप फ़िश खरीद कर आप जो आसपास के होटल्स में बना सकते हैं, और ये फ़िश बनाने के चार्जेस बहुत ही ज़्यादा कम है, मात्र 50 रुपये में आप ये फ़िश वगैरह बना सकते हैं। और दोस्तों नॉर्मली ये जो फ़िश मिलती है ये डायरेक्ट समुंदर से पकड़ी हुई मछलियां होती हैं, एक तरह का एकदम लाइव सी फूड का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आप यहां से डायरेक्ट ख़रीद कर, जैसे कि मैंने बताया, 50 रुपये देकर किसी भी होटल में बना सकते हैं। सिर्फ आपने फ़िश साफ़ करके होटल वालों को देनी है, बाकी तेल मसाला जो भी लगेगा वो सब होटल वाला लगाएगा, और साथ ही लेगा सिर्फ 50 रुपये। और जो कि हमारे दिल्ली या हरियाणा में 50 रुपये तो सोचना भी मत, अगर हम कुछ भी देते हैं बनाने के लिए पहली बात तो बनाएगा नहीं, और दूसरी बात बोलेगा भाई मैं अपने से ही दूंगा, आप मेरा ही यूज़ कर लो, मैं आपका वाला नहीं बनाऊंगा। बहुत सारा तेल लगाने के बाद तब जाके दुकानदार बोलता है चलो ठीक है मैं बना दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दीघा में खान पान बहुत सस्ता है, अगर आप खुद अपने पैसों से ऐसे ख़रीद कर अगर आप होटल में बनाएंगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर मैंने ट्राई किया ऑक्टोपस शायद क्या पक्का मैं कंफर्म बताऊँ, 300 रुपये किलो का ये ऑक्टोपस था। और आप ऑक्टोपस जो है, जो ये देखिए इसकी कटिंग प्रोसेस है, किस तरीके से इसको ड्रेस किया जाता है, बिल्कुल आराम आराम से इसके जो सक्शंस होते हैं उनका निकाला जाता है, जैसे कि ये पूरा ऊपर का खाल फेंक दिया, और इसके जो वैक्यूम्स है जहाँ पर सक्शंस है जिसको पकड़ सकते हैं, जो आपके गले में लग सकता है, उसको कितने बढ़िया तरीके से एकदम सफाई से उनको साफ़ किया जाता है, काटा जाता है। ऑक्टोपस का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जिस तरीके से जो मैक्रोनी या पास्ता जैसे आप खाते हैं सेम वैसा ही मुझे टेस्ट लगा इसको खाने में, और कुछ अलग मुझे कोई इसका टेस्ट नहीं लगा इसको खाने में, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कि मैं कोई पास्ता खा रहा हूँ या फिर मैं कोई मैक्रोनी खा रहा हूँ। ऑक्टोपस खा के मुझे ऐसा लगा क्योंकि इसमें इसको तैयार करने में बहुत सारा मसाला इस्तेमाल होता है, हल्के मसाले में ये बिल्कुल ऑड लगेगा खाने में। और इसका भी तो मेकिंग चार्जेस है, सिर्फ 50 रुपीज़ इसका मेकिंग चार्जेस है, मतलब कि आप इसको ख़रीद के किसी भी दुकान से अगर आप बनाएंगे तो सिर्फ 50 रुपये में आपको ऑक्टोपस बना देगा। तो दोस्तों
इसका जो एक्सपीरियंस रहा कुछ इतना ख़ास नहीं रहा, जैसे कि हम टीवी में देखते हैं कि भाई वाओ क्या एक्सपीरियंस है, इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं रहा दोस्तों। यही जो मार्केट है, इन्हीं मार्केट में रहा पर आप फ़िश वगैरह जो भी आप सी फूड ख़रीदते हैं, ये जो दुकान है छोटे छोटे, इन्हीं दुकान पर जाके आप बना सकते हैं। अब ये दोस्तों ये है मेन अट्रैक्शन, ये है बीच, कुछ इस तरीके से आप दीघा बीच में जाकर आप देख सकते हैं। जैसे कि ये बिल्कुल ही मैन मेड बना दिया है, पत्थर वगैरह सब गिरे हुए हैं, लोग पत्थर के किनारे में बैठे हैं और जो वेव्स आ रही हैं लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, लोग नहा रहे हैं। ज़्यादातर जैसे कि मैं गोवा का कंपैरिजन करूँ, गोवा में ज़्यादातर हर देश के कोने से आते हैं, इंडिया के भी कोने कोने से आते हैं। यहाँ पर जो मैं दीघा में मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो वहाँ के जो लोकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं, खासकर कोलकाता और उड़ीसा के लोग ज़्यादा मिलेंगे, अदर स्टेट्स के लोग बहुत कम यानी ना के बराबर ही होंगे। तो इसलिए कुछ ज़्यादा फन टच वाली फीलिंग नहीं आई मेरे को, एकदम लगा कि हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हाँ एक बकेट लिस्ट में दीघा था जिसको अभी हमने पूरा कर लिया है। दोस्तों ये एक और मज़ेदार चीज़ लगी इस बीच में, जैसे कि यहाँ पूजा पाठ हो रही है, कुछ इस तरीके से पुजारी जी आए और बीच में ही जो भी विसर्जन वगैरह करना होता है वो सब किया। जो इनका जो मेन बंदा था उसने पानी में क्रैकर भी फोड़े, जैसे कि अभी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ बीच का भी फ़ायदा हो रहा है और प्लस पूजा पाठ भी हो रही है, मतलब कि ड्यूअल कॉम्बिनेशन है। गोवा में मैंने पूजा पाठ वगैरह नहीं देखी है पर हाँ दीघा में मैंने ये पूजा पाठ देख ली है, तो इससे भी थोड़ा अच्छा लगा। जैसे कि लोग नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं बे ऑफ बंगाल में खारे पानी में, जो कि खारा पानी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ और इस कोने में पूजा पाठ चल रही है, पुजारी जी एक कलश में कोई भी पूजा का सामान लेके आए हैं और अभी इसको विसर्जन करेंगे, और साथ में जो उनके साथ के जो लोग हैं वो अभी क्रैकर फोड़ेंगे। अभी आप देखेंगे तो दोस्तों लोग देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल भी डर नहीं है, वेव्स कैसे बड़ी बड़ी वेव्स आ रही है। और ये जो महाशय हैं ये अभी अगरबत्ती से पटाखे फोड़ेंगे, पटाखे भी पहली बार देखे मैंने, पानी के अंदर ही फेंक देता है और वहीं से ही फट करके फट जाता है, जो कि मैंने पहली बार देखा, शायद आप लोगों ने पहले भी देखा होगा पर मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था कि वे पानी के अंदर ही क्रैकर फोड़ा और वो पानी के अंदर ही फट गया, बुझा बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से दीघा बीच पर बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई देंगे और आप इस बीच का एंजॉय ले सकते हैं, मतलब कि इतना कोई ख़ास मैं वाव नहीं बोलूँगा इस बीच के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा एक व्लॉग दीघा बीच के ऊपर, नॉट सो वाओ, नॉट सो थोड़ा फैंटास्टिक, नॉट सो थोड़ा अमेजिंग, एकदम बिलो एवरेज ये बीच है। बस एक फॉर्मेलिटी की बात है, हाँ मैंने दीघा का भी एक चक्कर लगा लिया है और दोस्तों मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया दीघा में। इससे अच्छा तो गोवा जाके घूम के आओ, वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फ़नी है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो दोस्तों कर दो इस वीडियो को लाइक, कर दो इस वीडियो को शेयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्यूचर में अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू।